Yes, students, now the next topic is principles of delegation. Yes, there are generally three principles of delegation. First principle is, for efficient delegation, the authority granted must be commensurate with the assigned responsibility. Or we can say that principle of authority and responsibility, which you have already done in chapter number 2. Then what is the principle for effective delegation? Authority granted must be commensurate, means equal to with the assigned responsibility. कि इफेक्टिव डेलीगेशन के लिए ज़रूरी है कि जो अथॉरिटी आपने दी है या रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी आपने दी है किसी पर्सन को करने की, उससे रिलेटेड उसे अथॉरिटी भी दी जानी चाहिए. इट मीन्स देयर मस्ट बी बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. इट इज़ एक्सप्लेन बाय द प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या कहता था कि अथॉरिटी एंड देयर मस्ट बी बैलेंस बिटवीन द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड इफ देयर इज मोर अथॉरिटी देन द रिस्पॉन्सिबिलिटी देन अ पर्सन और अ मैनेजर में मिस यूज द अथॉरिटी. इन द सेम वे इन द दिस प्रिंसिपल ऑल्सो, वैन एन एम्प्लॉय इज गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ जॉब, ही मस्ट बी गिवन सफिशेंट अथॉरिटी टू कैरी आउट द जॉब. कि जब भी आप किसी व्यक्ति को कोई काम देते हैं करने के लिए, तो उस काम को करने से रिलेटेड अथॉरिटी भी उसे दी जानी चाहिए, तभी वो उस काम को बेटर वे से कर सकता है. एंड इफेक्टिव डेलीगेशन के लिए क्या होना चाहिए, अथॉरिटी मस्ट बी इक्वल टू रिस्पॉन्सिबिलिटी. इट मीन्स देयर मस्ट बी बैलेंस बिटवीन द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. इफ अथॉरिटी इज मोर देन रिस्पॉन्सिबिलिटी तो क्या होगा, अगर अथॉरिटी तुमने बहुत ज़्यादा दे दी और रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की नहीं, तो क्या कर सकता है मैनेजर, मैनेजर में मिस यूज़ द अथॉरिटी. इन द सेम वे, अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी तुमने ज़्यादा दी, उससे रिलेटेड अथॉरिटी नहीं दी, देन द पर्सन विल बिकम इनएफिशिएंट. तो हमारा वो पर्सन है या हमारा मैनेजर क्या हो जाएगा, इनएफिशिएंट. इट कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जाम्पल ऑल्सो. कि मान लो मार्केटिंग मैनेजर ने 100 कंप्यूटर सेल करने का टारगेट दिया था इन अ डे टू अ सेल्स मैनेजर. किसको दिया था, सेल्स मैनेजर को. मार्केटिंग मैनेजर ने 100 कंप्यूटर बेचने का टारगेट अपने सेल्स मैनेजर को दिया, लेकिन उसको ये तो कहा सेल करना है आपको, लेकिन उससे रिलेटेड अथॉरिटी नहीं दी कि भाई अगर आपको सेल को इम्प्रूव करने के लिए डिस्काउंट देने की ज़रूरत है तो आप डिस्काउंट दे सकते हो. तो वो डिस्काउंट नहीं दे पाया, कस्टमर ने इतने गुड्स नहीं खरीदे, तो सेल मैनेजर मे नॉट अचीव द सेल्स टारगेट. तो उसका टारगेट अचीव नहीं हो पाया. इन दैट केस उसे क्या दी गई थी, केवल रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन अथॉरिटी उससे रिलेटेड नहीं दी गई थी. देन द मैनेजर विल बिकम इनएफिशिएंट एंड टारगेट्स कैन नॉट बी अचीव. अनदर एग्जाम्पल यू कैन टेक, प्रोडक्शन मैनेजर ने एक टास्क दिया किसको, अपने फोरमैन को, कि आपको टारगेट अचीव करना है, आपको प्रोड्यूस करने हैं 500 पीसेस पर डे. बट उसे अथॉरिटी नहीं दी गई कि वो टूल्स मटेरियल स्टोर डिपार्टमेंट से लेकर आ सकता है उसे अगर ज़रूरत पड़े तो. अगर उसके पास किसी चीज़ की कमी होती है, मान लो टूल प्रॉपरली अवेलेबल नहीं थे और मैनेजर वहाँ पर अवेलेबल नहीं था, जिससे कि वो कहता कि मेरे को ये टूल्स की रिक्वायरमेंट है लेकर आने के लिए, तो अगर वहाँ पर आपके फोरमैन को फ्रीडम या फिर अथॉरिटी नहीं दी गई थी कि वो अपने आप लेकर आ सकता है, तो उसका काम बीच में रुक गया. सो फोरमैन इज़ नॉट एबल टू अचीव द टारगेट. इन दिस केस प्रोडक्शन मैनेजर कभी भी ब्लेम नहीं कर सकता फोरमैन को, क्योंकि उसने क्या दी थी, उसे केवल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी, लेकिन उसे अथॉरिटी टूल्स और मटेरियल स्टोर डिपार्टमेंट से लेकर आने की नहीं दी थी. तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जब भी किसी व्यक्ति को आप अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हो, तो उससे रिलेटेड अथॉरिटी भी देनी चाहिए. देन ही इज़ अकाउंटेबल फॉर द रिजल्ट. नाउ द सेकेंड प्रिंसिपल इज़, अथॉरिटी ग्रांटेड टू आ सबॉर्डिनेट कैन बी टेकन बैक एंड रीडेलीगेटेड टू अनदर पर्सन. अगर आपको किसी ने, आपने किसी को पहले अथॉरिटी दी, अगर उसने अपना काम ठीक से नहीं किया, तो वो अथॉरिटी आप उससे वापस ले सकते हो और किसी दूसरे पर्सन को दे सकते हो. एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर चलते हैं. टीचर ने आपको एक मॉनिटर बनाया पहले क्लास का, ठीक है, उससे कहा कि भाई आपको डेली सारी क्लास की नोटबुक्स जो है सब कलेक्ट करके लेकर आनी है और डेली सबमिट करनी है, लेकिन आपने जो है प्रॉपर वर्क नहीं किया, तो टीचर ने क्या किया, आपको मॉनिटर हटाकर उससे आप किसी और दूसरे पर्सन को या किसी और दूसरे स्टूडेंट को मॉनिटर बना दिया. तो अथॉरिटी क्या की जा सकती है, अगर आप प्रॉपर काम नहीं करेंगे तो वापस ली जा सकती है और किसी दूसरे पर्सन को रीडेलीगेट की जा सकती है. तो क्या कहेंगे, इफ सबॉर्डिनेट फेल टू परफॉर्म द असाइंड टास्क
then authority granted to him or her can be taken back or redelegated to other person. I think it is clear. Now the third one is, delegation doesn't mean abdication, or it is also a principle of absoluteness of accountability. Student, it is a very important question and 3 marks में question अलग से भी आता है कि delegation का मतलब transferability of accountability नहीं है. Delegation का मतलब accountability को transfer करना नहीं है, क्योंकि accountability हमेशा absolute होती है, उसे हम कभी भी किसी दूसरे person को transfer नहीं कर सकते या delegate नहीं कर सकते. जिस person को हमने काम दिया है उसी की responsibility और उसी की accountability होती है काम को पूरा करने की. लेकिन अगर वो काम किसी और दूसरे पर्सन से कराता है देन ही इज स्टिल अकाउंटेबल फॉर द टास्क. इसको हम ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, डेलीगेशन डजंट मीन एबडिकेशन. मतलब क्या होता है इसका, इट मीन्स दैट मैनेजर शैल बी स्टिल अकाउंटेबल फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द असाइंड टास्क. कि आपको जो काम दिया गया है उसे पूरा करने के लिए आप ही अकाउंटेबल होंगे. एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, पहले भी हम कर चुके हैं. डायरेक्टर ने एक टास्क दिया 100 कंप्यूटर बेचने का मार्केटिंग मैनेजर को. किसको मिला है टास्क, मार्केटिंग मैनेजर को. ठीक है, ये क्या दिया उसे, उन्होंने वर्क असाइन किया, मींस रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि आपको जो है 100 कंप्यूटर सेल करने हैं. अब मार्केटिंग मैनेजर ने क्या किया, वो काम अपने नीचे काम करने वाले सेल्स मैनेजर से करा लिया. ठीक है, लेकिन सेल्स मैनेजर जो है अपना टास्क टाइम पर कंप्लीट नहीं कर पाया. ठीक है, फिर डायरेक्टर ने पूछा मार्केटिंग मैनेजर से, हाँ भाई कितने कंप्यूटर सेल हुए, तो उसने कहा कि सर 90 कंप्यूटर सेल हुए हैं. उसने पूछा क्या रीज़न है, वो कहता कि भाई मुझे पता नहीं, मैंने तो एक सेल्स मैनेजर रुका था सर सेल करने के लिए, देन ही इज़ अकाउंटेबल फॉर नॉन कम्प्लीशन ऑफ द टास्क. अब डायरेक्टर क्या कहता है, नो द वर्क इज असाइंड टू यू, मीन्स मार्केटिंग मैनेजर, सो यू आर अकाउंटेबल फॉर द नॉन अकम्प्लिशमेंट ऑफ द टास्क बिकॉज एक्चुअली द वर्क इज असाइंड टू यू, बट यू हैव असाइंड द वर्क टू योर सबॉर्डिनेट, देन ही इज नॉट अकाउंटेबल फॉर द रिजल्ट, यू आर स्टिल अकाउंटेबल फॉर द रिजल्ट. तो डायरेक्टर ने क्या कहा कि मार्केटिंग मैनेजर ही अकाउंटेबल होगा, जो काम प्रॉपरली नहीं हो पाया, टास्क अचीव नहीं हो पाया, क्योंकि वर्क इज एक्चुअली असाइंड टू मार्केटिंग मैनेजर नॉट द सेल्स मैनेजर.